सबसे पहले हम बात करेंगे एलटीडीएस लिमिटेड के बारे में। एलटीडीएस लिमिटेड की बात करें तो बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही धमाकेदार कंपनी है। आज के दिन इस कंपनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज निकल के आया, और अगर हम उस न्यूज की बात करें दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो कि एलटीडीएस लिमिटेड कंपनी ने लॉन्च किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एयरबस, जो कि इसी न्यूज को अगर हम थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लें, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहेगा हैज एडवांस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड हाई परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ कॉम्पिटिशनल टूल टू स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफाई प्रोसेस अक्रॉस द एयरबस। और तो डेफिनेटली ये जो न्यूज है शॉर्ट टाइम के साथ साथ लॉन्ग टाइम के लिए भी है दोस्तों, बहुत ही कमाल की और बहुत ही शानदार न्यूज है, खास करके एलटीडीएस लिमिटेड के लिए। और ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम इस कंपनी में इस प्रकार के पॉजिटिव न्यूज निकल के आया। अगर हम इसी मंथ की बात करें, इसी मई मंथ के, तो इसी मई मंथ के फर्स्ट में यानी कि 2 मई को कंपनी में और एक कमाल की न्यूज आया था। कंपनी ने एक बहुत बड़े पार्टनरशिप साइन किया था, किसके साथ? तो फॉरवियर के साथ, फॉर 5 ईयर लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप, जिसका कॉस्ट निकल कर है लगभग जिसके वैल्यू 45 मिलियन के आसपास, जो कि एक बहुत ही कमाल की न्यूज। और इस न्यूज को मार्केट ने भी उस दिन बहुत ही अच्छी तरह से अप्रिशिएट किया था। एलटीडीएस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी बहुत कमाल की है लॉन्ग टाइम के हिसाब से, और लॉन्ग टाइम में कंपनी आपको बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देते देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये सोच रहा है कि स्टॉक पिछले कुछ दिनों से जो जिस प्रकार की गिरावट दिखा है एक तरफ, जैसे अगर आप इसके 6 मंथ की परफॉर्मेंस को देखोगे तो जो टॉप लेवल से इस प्रकार के स्टॉक नोज डाइव गिरा है, तो कोई अगर ये सोच रहा है कि कंपनी खराब है, तो कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है। ये जो गिरावट स्टॉक में हुआ एक नॉर्मल गिरावट है, और इस गिरावट के पीछे का रीजन था एक तो कंपनी के Q4 के नंबर जो इतने खास नहीं थे, दूसरा ये फिर प्लस मैनेजमेंट की नेगेटिव गाइडेंस। नंबर बहुत सुपर डुपर नहीं था, नंबर ना ही बहुत ज्यादा खराब थे। जो गिरावट स्टॉक में उसके पीछे का 90% रीजन है कि मैनेजमेंट के नेगेटिव गाइड, जो कि आप देख भी सकते हो। पिछले एक साल के ग्राफ को देखोगे तो आज भी एक साल वाले के पास नेट नेट 20% प्रॉफिट है। गिरावट से पहले ये 40-50% थे, उसके बाद स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा था और एकदम 6000 के ब्रेकआउट के करीब था। हम तो सोच भी रहे थे कि अगर Q4 के नंबर अच्छे आ जाए तो 6000 को ब्रेकआउट देखें, 7 से लेकर 8000 के भी टारगेट वो इजिली शॉर्ट टाइम में दिखा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली इसी टॉप पे कंपनी के Q4 के नंबर है जो कि इतने खास नहीं है। दूसरा, जो मैनेजमेंट ने नेगेटिव गाइडेंस दिया और उस गाइडेंस के चलते स्टॉक एक ही दिन में 9 से लेकर 10% तक गिरा था, क्योंकि उनके जो FY20, उनका ये मानना है कि FY25 है जिसमें हम अभी चल रहे हैं, उनके जितने भी क्वार्टर आएंगे Q1, Q2, Q3, Q4 उनके नंबर आपको लोअर अर्निंग से आपको देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते जो स्टॉक एकदम ब्रेकआउट के करीब थे, अपने 1.5 साल 2 साल पुराना लेवल ब्रेकआउट के करीब थे, तो उस लेवल से हमें धराक से स्टॉक हमें इस प्रकार के नोज डैप तेजी से गिरते हुए देखने को मिला। तो इससे क्या डरना चाहिए? तो पहले बोल चुका हूँ तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी एक साल के बीच में पिछले Q2 के बाद कंपनी ने नेगेटिव गाइडेंस दिया था तो स्टॉक एक ही दिन में 13% गिरा था। तो क्या कंपनी खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं, फिर स्टॉक ने कम बैक किया, जहां से गिरा था उसको भी रिकवर करके एकदम अपने ऑल टाइम हाई पे। और ये जो अभी स्टॉक कितना गिरा है, रफली 20 से लेकर 25% मान लो, तो 25% गिरावट दोस्तों, इससे तो बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे पहले ये स्टॉक इस प्रकार के 50-50% के करेक्शन दिखा चुका है। उसके पीछे भी रीजन है थोड़ा बहुत डिमांड के स्लोडाउन और मैनेजमेंट के कुछ नेगेटिव गाइडेंस। तो ये चीजें चलती रहती है, ट्रांसपेरेंसी वाले मैनेजमेंट है, तो जो भी चीजें होता है वो अपने शेयर होल्डर के सामने रख देता है, भले ही शॉर्ट टाइम में उसका नेगेटिव रिएक्शन क्यों ना हो। तो शॉर्ट टाइम में रिएक्शन हुआ है, कुछ दिन बाद धीमे धीमे इसमें आपको फिर से रिकवरी देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली इतना कहना चाहूंगा, कोई जिसके पास से कोई अगर टॉप पे बने हैं, नंबर आने से पहले किसी ने खरीदा होगा, तो ऐसे गलती मत करना जिन्होंने स्टॉक पे खरीदने के बाद 50% लॉस में स्टॉक को बेच दिया। अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक अगर आप लॉस में बेचना शुरू कर दोगे तो फिर बाजार में आप टिक ही नहीं पाओगे। तो अगर हमने गलती से अपने अगर बाय किया तो गलती को एक्सेप्ट करो, या अपने गलती से स्टॉक को बिना सोचे समझे टॉप पे बाय किया उसके बाद होल्ड करो, तो आज ही तो कल ये आपके लेवल तक जरूर रिकवर करके देगा। ये तो उनके लिए था, और खास करके उनके लिए जो इस टाइम पे फेस बाय करने के बारे में सोच रहे, कोई सेफली स्टॉक मतलब सेफली स्टॉक को कंसिडर कर रहे हैं, तो एलटीडीएस दोस्तों बहुत ही सेफेस्ट स्टॉक है, क्योंकि इनके जो मैनेजमेंट है जिस ग्रुप से बिलोंग करता है L&T ग्रुप से, तो मैनेजमेंट वाइज ग्रुप वाइज बहुत ही कमाल के ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अगर आप चाहो तो अभी जो 20 से 25% स्टॉक गिरा है, हाँ 50% तो नहीं गिरा है, गिरने के लिए यहाँ से और भी 10% गिर सकता है। तो अगर आप चाहो तो 25% के डिस्काउंट में एक स्टॉक में से चाहो तो अपना शुरुआत करके चल सकते हो। बीच में और भी गिरा था, उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी किया, हो सकता है ये रिकवर अभी करे, हो सकता है जितना रिकवर हुआ स्टॉक दोबारा 4000 के करीब आए। तो जब भी और भी अगर स्टॉक गिरे और भी 5-10%, तो और भी इंस्टॉलमेंट में चाहो तो आप और भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट
कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छा है और ये कंपनी दोबारा जरूर कमबैक करेगा। तो ये कोई शॉर्ट टाइम के साथ, मतलब लॉन्ग टाइम के साथ साथ शॉर्ट टाइम के लिए भी कोई स्टॉक कंसिडर कर रहे, तो अगर आप चाहो तो एलटीडीएस के बारे में, इस डिस्काउंट के बारे में आप जरूर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे भी गिरा था। अब जिन्होंने इस डिस्काउंट का फायदा उठाया, उन्होंने शॉर्ट टाइम में अच्छे खासे प्रॉफिट कमाए, सेम डिस्काउंट सेम मौका फिर से आपको ये स्टॉक दे रहे हैं, तो अगर आप चाहो लॉन्ग टाइम के साथ साथ शॉर्ट टाइम में भी इस गिरावट के बारे में हम कंसिडर कर सकते। दूसरा स्टॉक की बात करें तो इसी ग्रुप से बिलोंग करने वाली और एक कमाल की कंपनी एलटीआई माइंडट्री लिमिटेड। तो ये भी दमदार कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, बट इसका भी सेम आपको इसके चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाएगा। एक साल में रफली 101% की गिरावट है, बट ये भी स्टॉक बॉटम लेवल से, ये भी एक तरफा बहुत कमाल की रैली दिखा रहा था। एक टाइम पे ऐसा लगा था कि ये भी ऑल टाइम हाई जो उसने अचीव किया था आज से 2-2.5 साल पहले 7400 के आसपास, शायद से उस तक या फिर उस लेवल को भी ब्रेकआउट देके 10,000 के करीब भी स्टॉक जा सकता है। बट सेम इसमें भी कंपनी जो बहुत अच्छा कर रहा था, इसी बीच में कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर आए और मैनेजमेंट ने नेगेटिव गाइडेंस दिया, उसके बाद तो स्टॉक ने जिस प्रकार की गिरावट दिखाया वो गिरावट अभी तक प्रेशर है, बट पिछले 3-4 दिनों से बॉटम लेवल से स्टॉक ने थोड़े बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है। सो एलटीए माइंडट्री लिमिटेड की बात, ये जो गिरावट स्टॉक में हुआ था उसके पीछे का रीजन था कि FY24 का जो गाइडेंस था उनके लिए, उनको वो गाइडेंस खराब दिया था मैनेजमेंट ने, उसके चलते स्टॉक गिरा था। बट मैनेजमेंट का अभी ये मानना है जो FY25 है जिसमें हम करंटली अभी चल रहे हैं, उसमें आपको ग्रोथ अच्छे देखने को मिल सकता है, और जो लगातार पिछले 2 साल से जो कंपनी के नंबर आपको खराब खराब और खराब ही देखने को मिल रहे हैं, तो वो आपको शायद से इस क्वार्टर में जो और 3 मंथ बाद जो कंपनी के नंबर आएंगे Q1, शायद से उस क्वार्टर से कंपनी के नंबर में आपको एक अच्छे खासे रिकवरी देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ साथ बाकी लोगों ने ये भी चीज़ें मेंशन किया कि वो कॉन्फिडेंट है कि उनकी जो लॉन्ग टाइम ग्रोथ है, फ्यूचर ग्रोथ, वो आपको बेटर स्ट्रैटेजी देखने को मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है और मैनेजमेंट को भी ऐसा लगता है, जो अभी तक जो कंपनी के नंबर खराब आ रहे थे पिछले 2 साल से, तो वो अभी शायद से इतने खराब नहीं आएंगे। अभी आपको इस टाइम से, इस Q1 से कंपनी के नंबर में आपको एक अच्छे खासे रिकवरी या फिर बाउंस बैक देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप कंपनी के नंबर या कंपनी के बिजनेस अगर बाउंस बैक करेंगे, तो डेफिनेटली पिछले 2-2.5 साल से जो स्टॉक एक तरफा गिरावट दिखाए, उसके बाद जो इतने बड़े लंबे कंसोलिडेशन दिखाए, तो शायद से अगर बिजनेस कम बैक करेंगे, अर्निंग्स कम बैक होगा, इनकम कम बैक होगा, प्रॉफिट कम बैक होगा, तो स्टॉक प्राइस तो नीचे बिल्कुल भी नहीं रहेगा, टाइम लग सकता है, बट स्टॉक प्राइस भी आपको धीमे धीमे ये आपको रिकवर करते आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर से ये स्टॉक एक निफ्टी वाली कंपनी है, और ये स्टॉक इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी आज भी टॉप लेवल से 35% डाउन है। ऊपर से 2021 से लेकर 2024 हार्डली दो से लेकर 2.5 साल से इतने बड़े कंसोलिडेशन में, तो इतने बड़े कंसोलिडेशन में, तो शायद से कंपनी में आपको बहुत जल्दी स्टॉक में आपको बहुत अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल सकता है। और ऊपर से आपको पता है इस स्टॉक का नेचर भी इसी प्रकार, अगर आप इसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस को देखोगे तो 2016 से लिस्टिंग है, लिस्ट होने के बाद स्टॉक एक साथ चला नहीं, उसके बाद जो तेजी है 150-200% की, उसके बाद अगेन 1.5 साल चला नहीं, लंबी कंसोलिडेशन, अगेन जो तेजी है तो 200-300% की तेजी, उसके बाद अगेन गिरावट, और पिछले 2.5 साल से इस प्रकार के कंसोलिडेशन में, और जैसे यहाँ से बाउंस बैक आएगा साथ ही ये वाले लेवल को भी ब्रेकआउट देके 10,000 को भी ये क्रॉस कर सकते। देखो लॉन्ग टाइम में 10,000 भी जाने वाले और 15,000 भी जाने वाले, तो अगर आपके पास है, अगर आप बने हो अभी तक, तो शायद से कंपनी के इस FY25 में अच्छे दिन आने वाले, अच्छे नंबर आने वाले, और कंपनी अच्छे बिजनेस करेंगे, तो जब कंपनी अच्छे बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस में भी आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकता है। तो अगर आप चाहो तो अब ऑलरेडी बिंदास बने रह सकते, ऊपर से L&T ग्रुप की ये कंपनी, तो बहुत ही शानदार कंपनी, बहुत ही शानदार मैनेजमेंट बायस कंपनी, किसी के पास है नहीं, और आप किसी IT स्टॉक में जाने के बारे में सोच ही रहे हो, तो सबसे बेस्ट सेफली स्टॉक और सबसे अच्छे डिस्काउंट में आपको ये मिल रहा है 35% की डिस्काउंट, तो ऐसे स्टॉक बहुत ही रेयर ऐसे गिरावट दिखाते। तो अगर आप चाहो तो लॉन्ग टाइम के साथ साथ शॉर्ट टाइम के बारे में भी इन स्टॉक में आप कंसिडर कर सकते हो। अगला स्टॉक की बात करें तो एथॉस लिमिटेड, सो एथॉस लिमिटेड की बात करें तो दमदार कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी, तो LTTS के साथ साथ L&T माइंडट्री के साथ साथ आप इस तीसरे स्टॉक एथॉस के बारे में भी कंसिडर कर सकते हो। बट इसमें एक बहुत बड़े रिस्की पॉइंट है कि वो दोनों बड़े कंपनी है, बट ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है, ऊपर से अब ये भी लिस्टिंग हुआ सिर्फ 5,000 करोड़ के मार्केट कैप है, तो इसको क्यों कवर करो? इसको दोस्तों इसलिए कवर करो क्योंकि कंपनी के Q4 के नंबर डिसेंट आए, उसके बाद स्टॉक टॉप लेवल से एक अच्छे खासे गिरावट दिखाए, रफली भी देखा जाए तो लगभग 15-16% एग्जैक्ट देखोगे 3,000 के लेवल से तो 700 पॉइंट डाउन है, ऑलमोस्ट 20-22% डाउन है, तो 20-22% डाउन में एक स्टॉक में लगाने के लिए काफी तो है नहीं, क्योंकि ये छोटी कंपनी है, और ऐसे छोटी कंपनी में हमेशा 25-30% में एक स्टॉक में लगाना सही रहता है। बट अगर हम इसके अभी तक हिस्ट्री निकाल के देखें तो स्टॉक मैक्स टू मैक्स इतना ही गिरता है,
अच्छी कंपनी है बट रिस्की कंपनी जरूर है। तो अगर आप चाहो तो इन दोनों कंपनी के साथ साथ किसी को छोटी कंपनी स्टडी करना है तो आप इतने उसके बारे में कंसिडर कर सकते हो। तो कंपनी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये कंपनी अभी 2 साल में इसने 200% का प्रॉफिट जरूर ग्रोथ दिखाया, बट अभी भी जैसे मैंने कहा 5,000 करोड़ का इसके मार्केट कैप है। इतना पोटेंशियल है कि फ्यूचर में ये कंपनी 5 का 50 और 5,000 का 1,00,000 करोड़ का भी ये मार्केट कैप बनने का पूरा दमखम रखता है। मतलब यहाँ से भी कंपनी 20 गुना ग्रो करते आपको देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। यानी कि यहाँ से भी अगर कंपनी 20 गुना ग्रो करेंगे तो स्टॉक प्राइस भी ऑटोमेटिक ये 2,000 रुपये तो बिल्कुल नहीं रहेगा, यहाँ से स्टॉक प्राइस भी आपको 1,500-2,000% के प्रॉफिट बना के दे सकता है। छोटी कंपनी में इसी प्रकार के प्रॉफिट बनता है, बट रिस्क भी उसी प्रकार से होता है कि कंपनी आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो अगर आपको रिस्क लेना है, कंपनी बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बार कवर कर चुका हूं, तो आप चाहो तो इन दोनों कंपनी के साथ साथ एथोस के बारे में इस लेवल पे जरूर एक स्टॉक में लगाने के बारे में कंसिडर कर सकते हो। और आपको ये कंपनी अच्छी लगते हैं तो आखिरी स्टॉक की बात करें तो KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अगर हम फ्राइडे के दिन की बात करें तो लगभग 0.1% की गिरावट, साल भर में 400 और 5 साल की बात करें तो 8.5% प्रॉफिट। और स्टॉक पॉपुलर इसलिए ज्यादा क्योंकि 2 दिन पहले हमें और एक बोर्डिंग मीटिंग था जिनमें कंपनी ने फिर से 1:2 का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। तो जिसके पास है उनके लिए अच्छी है क्योंकि प्रॉफिट भी कमाल के दे रहे हैं, जिसके पास है नहीं तो बोनस स्प्लिट के चलते किसी भी स्टॉक में जाने की जरूरत है नहीं। अगर आप अच्छी कंपनी में बने रहोगे तो इस प्रकार के बोनस स्प्लिट आपको उन अच्छे स्टॉक में भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है।